भैया इंडिया सर्वर के अंदर पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा? बहुत टाइम हो गया इंडिया सर्वर के अंदर पिंक डायमंड स्टोर क्यों नहीं आया। ऐसे ही गाइस यार जब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए तो मुझे लगा गाइस यार अब तो इस टॉपिक को कवर करना ही पड़ेगा। फिर गाइस यार मैं लग गया एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर सर्च करने में, साथ ही साथ गाइस यार मैंने हमारे गेम की फाइल को भी पूरी तरीके से सर्च करा। एंड अभी गाइस यार मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए पिंक डायमंड स्टोर के रिगार्डिंग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। जी हाँ गाइस यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को 100% कन्फर्म बताऊंगा कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट पिंक डायमंड स्टोर कब आने वाला है। जी हाँ गाइस यार आज की वीडियो में आप लोगों के मन में चल रहे पिंक डायमंड स्टोर के रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देन गाइस यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस यार आज ही के दिन हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का एक बनी रॉयल आर्क है जिसके अंदर यार बनी थीम के बहुत सारे आइटम है। पर गाइस क्या आप लोगों को पता है अभी तो बनी थीम के और भी बहुत सारे आइटम है जो कि अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आ रखे हैं। गाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से बनी थीम के वो आइटम है जो कि अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आ रखे हैं। एंड साथ ही साथ गाइज यार ये भी बताऊंगा कि वो आइटम हमारे गेम के अंदर कब और किस इवेंट में आएंगे। फिर गाइज यार इतना ही नहीं, आज तो और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स है जिनका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। हाँ गाइज यार अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यार आज का वीडियो रहने वाला है बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ गाइज यार वीडियो में इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है। अगर गाइज यार मैं आप लोगों से बोलूँ ये जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हो ये हमारे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाली है, तो यार ये बात बिल्कुल सच रहेगी। अब यार इन्फॉर्मेशन इतना कमाल का है कि वीडियो तो कमाल का खुद ही बन गया है, तो इसलिए गाइस यार मैं नहीं चाहता कि आज की वीडियो में हम लोग जरा सा भी टाइम वेस्ट करें, इसलिए गाइस यार फिलहाल हम लोग बिना किसी टाइम को बर्बाद करे हुए आज के इस कमाल के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइस यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले OB39 अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं 22 मार्च के दिन हमारे गेम के अंदर आने वाला है OB39 अपडेट। बट गाइस यार इस अपडेट का एडवांस सर्वर तो हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए गाइस यार काफी सारे चेंजेस जो कि हमारे गेम के अंदर 22 तारीख को OB39 अपडेट के बाद होंगे उनके बारे में मुझे अभी से बताया। जैसे कि गाइस यार देखो अभी के टाइम पे हम लोग इंडिया सर्वर के अंदर से वॉल चैट पे मैसेज नहीं करवाते हैं, बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूं OB39 अपडेट के बाद हम लोग वॉल चैट पे मैसेज भी कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हो आपके सामने सामने मैंने यहाँ पर हाई टाइप किया। फिर गाइस यार इतना ही नहीं, OB39 अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर सेटिंग में रिकॉर्ड का एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस यार रिकॉर्ड का फीचर तो अभी के टाइम पे हमारे गेम के अंदर है, बट यार सेटिंग के अंदर हम लोगों को रिकॉर्ड का कोई ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। पर गाइस देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो OB39 अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर पूरा रिकॉर्ड का एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो। बाकी तो गाइस यार इतना ही नहीं, हम लोगों को हमारे गेम के अंदर OB अपडेट के बाद एक बहुत ही कमाल का नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन तो नहीं गाइस यार, इसको हम लोग सिस्टम कह सकते हैं। जी हाँ गाइस यार अभी के टाइम पे आप लोगों को पता होगा अगर हम लोग किसी भी कैरेक्टर को खरीदते हैं तो हम लोगों को उसको अपग्रेड करना पड़ता है, Level 1, Level 2, Level 3 ऐसे अपग्रेड करना पड़ता है। बट यार OB अपडेट के बाद हम लोग किसी भी कैरेक्टर को खरीदेंगे तो हम लोगों को उसको अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा खरीदते ही हम लोगों को मैक्स लेवल का मिलेगा। जी हाँ गाइस यार कहने का मतलब यह है कि OB अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर से कैरेक्टर अपग्रेड का फीचर पूरी तरीके से गायब होने वाला है। जी हाँ गाइस यार अभी आप लोग स्क्रीन में देखो मैंने कुछ ही देर पहले दिमित्री कैरेक्टर खरीदा था, एंड गाइस जब मैं कैरेक्टर वाले ऑप्शन में गया तो यहाँ पर अपग्रेड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधा गाइस यार यहाँ पर इक्विप का ऑप्शन है जिसको क्लिक करके मैं इसको इक्विप कर सकता हूँ। भाई सच में यार अगर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ तो यार मुझे ये नया सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे पता है गाइस यार आप लोगों को भी ये नया सिस्टम बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी तो गाइस यार देखो हम लोगों को हमारे गेम के अंदर इस बार के OB अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर काफी सारे नए गेम मोड्स भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइस यार वैसे तो हर बार ही OB अपडेट में नए नए मोड्स हमारे गेम के अंदर आते हैं, बट अगर गाइस यार हम लोग इस बार के मोड्स की बात करें तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो हम लोगों को एडवांस सर्वर के अंदर जो नए मोड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे गेम के अंदर OB अपडेट के बाद आ सकते हैं, वो है गाइस यार पेट स्मैश मोड, साथ ही साथ गाइस यार ट्रिपल वुल्फ्स मोड भी यहाँ पर है। फिर गाइस यार यहाँ पर एक ग्रेनेड हुक नाम का भी मोड है, सच में यार इसका नाम बहुत अजीब है, होप करता हूं मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंस किया हो। बाकी तो गाइस यार आप लोगों ने स्क्रीन में देख ही लिया होगा। एंड हाँ गाइस मुझे आप लोगों से एक और बात पूछनी है, देखो गाइस यार 10 तारीख को हमारे फ्री फायर का एडवांस सर्वर आ गया था, एंड यार मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि कैसे एडवांस सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एडवांस सर्वर को डाउनलोड करना है। बट फिर भी गाइस यार अगर अभी तक आप लोग एडवांस सर्वर को डाउनलोड नहीं कर पाए हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यार आज की वीडियो में आप लोग कमेंट करके मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, एंड यार कल की वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा जिससे कि गाइस यार आप लोग भी एडवांस सर्वर को डाउनलोड करके खेल पाओगे। मैं देख रहा हूँ यार 2-3 दिन से मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बट यार मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि प्रॉब्लम बट यार मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए गाइस यार आप लोग मुझे आज कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताना, तभी मैं आप लोगों के कल डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। बाकी तो गाइस यार
देखो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गाइस यार अभी तो हम लोगों को बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स देखने हैं, जिसमें से गाइस यार अभी हम लोग बनी थीम के आइटम्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, आज ही के दिन गाइस यार हमारे गेम के अंदर बनी रिंग नाम का ये इवेंट आ रखा है, जिसके अंदर यार बनी थीम के बहुत सारे आइटम है। बट गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे गेम के अंदर जब OB38 अपडेट आया था, तो यार उस टाइम पे हमारे गेम के अंदर बनी थीम के और भी बहुत सारे आइटम ऐड हुए थे, जैसे कि गाइस यार ये ब्लैक बनी बंडल अभी आप लोग स्क्रीन में देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार अभी के टाइम पे हमारे गेम की फाइल के अंदर ये ब्लैक बनी बंडल भी अवेलेबल है, बट क्योंकि गाइस यार आज हमारे गेम के अंदर बनी रिंग इवेंट में ब्लैक बनी बंडल नहीं आ रखा है, इसीलिए गाइस यार ये हम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टाइम पे एग्जैक्ट गाइस यार इसी तरीके के एक बनी रिंग इवेंट में देखने को मिलेगा, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। होप करता हूं गाइस आप लोगों को ये बनी रिंग इवेंट साथ ही साथ ये ब्लैक बनी बंडल भी पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार अगर हम लोग बात करें कि ये ब्लैक बनी बंडल हमारे गेम के अंदर कब तक आएगा, तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, चांसेस है कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर 25 मार्च के दिन एग्जैक्ट सेम टू सेम इसी इवेंट में ब्लैक बनी बंडल देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो डेट एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है, बट यार 25 तारीख के ही आसपास हमारे गेम के अंदर ये ब्लैक बनी बंडल आएगा, इतना 100% कंफर्म है। बाकी तो गाइस यार देखो क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले ब्लैक बनी बंडल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इसीलिए तो गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के बारे में। भाई सच में यार पिंक डायमंड स्टोर एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में आप लोग मुझसे हर दिन पूछते हो, यार मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो डालूं पिंक डायमंड स्टोर के लिए 3-4 कमेंट तो होते ही होते हैं, जिसमें गाइस आप लोग मुझसे पूछते हो कि यार पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा, इंडिया के अंदर पिंक डायमंड स्टोर क्यों नहीं आ रहा है। तो यार इसीलिए आज मुझे मजबूरन पिंक डायमंड स्टोर के टॉपिक को कवर करना ही पड़ा, जिसके लिए यार मुझे काफी सारी रिसर्च भी करनी पड़ी है। तो इसलिए गाइस यार पिंक डायमंड स्टोर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन सुनने से पहले आप सभी लोग यार प्लीज आज के वीडियो को एक लाइक कर देना, और भाई जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि गाइस यार आप लोगों के पास हमारे चैनल पे आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। बाकी तो गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी के टाइम पे जो हमारे फ्री फायर गेम का एडवांस सर्वर आ रखा है, उस एडवांस सर्वर के अंदर अभी के टाइम पे पिंक डायमंड स्टोर की PNG अवेलेबल है। एंड गाइस ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर पिंक डायमंड स्टोर की PNG है, यार आने वाले OB39 अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर देखने को जरूर मिलेगा। एंड हाँ गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो पिछली बार जो हमारा OB38 अपडेट आया था, उस अपडेट के एडवांस सर्वर के अंदर भी पिंक डायमंड स्टोर की PNG अवेलेबल थी। एंड इसीलिए गाइस यार OB38 अपडेट के बाद हमारे फ्री फायर के बहुत सारे सर्वर के अंदर एक पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आया भी हुआ था। पर देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पे ना तो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर, ना बांग्लादेश सर्वर के अंदर, ना पाकिस्तान सर्वर के अंदर, और ना ही सिंगापुर सर्वर के अंदर हम लोगों को पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिला था। इसीलिए गाइस यार इस बार 100% कंफर्म हो चुका है कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले OB39 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और सिंगापुर सर्वर में भी पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिलेगा। बाकी तो गाइस यार अगर हम लोग पिंक डायमंड स्टोर की कंफर्म डेट की बात करें, तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, चांसेस हैं कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर अप्रैल मंथ की फर्स्ट वीक में ही पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिल जाए। मुझे तो लग रहा है कि गाइस यार उससे पहले भी हमारे गेम के अंदर आ सकता है, वही कुछ 28-29 तारीख को। भाई सच में यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पिंक डायमंड स्टोर के लिए। बाकी तो गाइस यार क्योंकि फिलहाल मैंने आप लोगों को पिंक डायमंड स्टोर का कंफर्म डेट भी बता दिया है, तो यार मुझे तो नहीं लगता कि अभी आप लोगों के मन में पिंक डायमंड स्टोर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होंगे। तो इसलिए तो गाइस यार फिलहाल हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।